हाय पिला माने केमिती अछो आशा करे तुम माने समस्ते भलो रहथिबो। आज पंचम श्रेणी गणित बहिर गुणन विषय रे जानिबो। प्रथमे गुणन जानिया पूर्वरु गोटे परिस्थिति बुझिबा। परेश बाबू तांको पु सिपुल ओ झियो पायल मिसी अबिचारा लगाया पे बिलुकु गले। परेश बाबू सिपुल को कहिले जेतिकि संख्यक अबिचारा आवश्यक तुमे नहीं आस। यहाँ सिपुल घर को जाई आवश्यक परिमाण कबिचारा आणिले। परेश बाबू देखिले जे सिपुल आणिथिबा कबिचारा संख्या समान अछि। यहाँ परे परेश बाबू सिपुल को पचारिले जे तुमे केते कबिचारा आवश्यक जानिलो किपरि। सिपुल कहिले प्रति पटाळीर चारा गछ संख्या ओ पटाळी संख्या को गुणन करी। तबे पिला माने आस सिपुल किभरी भाव गुणन कला आमे देखिबा। प्रति पटाळी रे लागिथिबा कबिचारा संख्या पटाळी संख्या प्रति पटाळी रे लागिथिबा कबिचारा संख्या 236 पटाळी संख्या 4। प्रथमे आमे कबिचारा संख्या एवं पटाळी संख्या को गुणन करू। किभलि भाबरे सिपुल गुणन कला देखो। प्रथम सोपान रे गुणकर एकक घर संख्या को गुणियर एकक घर संख्या द्वारा गुणन करा गला। 4 गुणन 6 24 पुणे द्वितीय रे गुणक एकक संख्या को गुणियर दशक घर संख्या सह गुणन करा गला। तेणु 30 गुणन 4 अर्थात आर गुणफल होला 4 गुणन 0 0 पुणे 12 4 गुणन 3 = 12 पुणे तृतीय सोपान रे गुणक संख्या एकक संख्या को गुणियर शतक संख्या सह गुणन करा गला। यह द्वारा शतक रे 2 अछि तेणु 200 एवं गुणक स्थान रे 4 अछि 4 एक तेणु 200 गुणन 400 4 र 200 4 गुण 800। एभली भाव रे सिपुल कण कले ना प्रथम सोपान र गुणफल द्वितीय सोपान र गुणफल तृतीय सोपान र गुणफल को एकत्र भाग मिसाइले। प्रथम सोपान र गुणफल 24 24 द्वितीय गुणफल 120 तृतीय सोपान र गुणफल 800। एभली भाव रे जोग करिया द्वारा आसला आमर केते ना 944 अर्थात 236 र 4 गुण 944। पिलाने पुणि परेश बाबू सिपुल को पचारिले आउ के पद्धति माध्यम रे गुणन करा जाय। सिपुल कहिला लाटाइस पद्धति माध्यम गुणन क्रिया करा जाय पारे। तबे सिपुल किभलि भाबे लाटाइस माध्यम गुणन कले आस देखिबा। एठारे चारा संख्या निया होला 345 एवं पटाळी संख्या 68। प्रथमे लाटाइस गुणन क्रिया करिया पूर्वरु प्रथमे आमे गुणय एवं गुणकर संख्या को नहीं बक्स तैयारी करिबा एवं बक्स मध्यरे गार टाणिबा। बक्स रो एई पट होउछि डाहन एई भाग होउछि बाम ऊपर एवं तळ भाग। प्रथमे आमे गुणय संख्या को ऊपर लिखिले एवं गुणक संख्या को
डाहन साइड रे लिखिले एहा परे आमे प्रति बॉक्स रे गार टाणी एहा परे गुण एवं गुणक संख्या रो जगफल गार माध्यम रे लिखिबा। प्रथमे आमे लिखिबा अठर दस रे एक लिखा एवं एक घरे आठ लिखा सेमती छुण चार चबिश दस रे दु लिखा एवं एक घरे चार लिखा से छुण पांच तीस दस घरे तीन लिखा एवं एक घरे शून लिखा पुणि आठ ऋण तीन चबिश दस भागे दु लिखा एवं एक भागने चार लिखा पुणि आठ ऋण चार बतीस दस भागे तीन लिखा एवं एक भागने दुई लिखा से आठ ऋण पांच चालीस दस भागे चार लिखा एवं एक भागने शून लिखा पाने जो गार टा जा गार सीधा आम जग कर प्रथम देखा शून अच्छे शून पुणी द्वितीय को आम जग कर शून चार दुई छृतीय चार तीन सात तीन दस दस चार चौद चौद को पुणे आम चार रख रहा एक से दुई गुण आठ दुई मिशाण आठ दस ए दुई बार एक तेर तेर को तीन लिखा पुणी एक रहा यह एक ये एक आसला दुई भाव डाटाइस पद्धति मध्यम बामरु डाहा पर्यंत आम गुणफल को लिखा तेणु ना कौन तीन सौ पैंतालीस गुण अड़सठ दुई तीन चार पुणी छुणी शून यही मध्यम आम लाटाइस पद्धति मध्यम आम गुणन क्रिया करपुल गुणफल निर्णय करवाद।